सोलन में नगर परिषद के रोस्टर पर रोष ज्यादा देखने को मिला। जिला प्रशासन द्वारा रोस्टर प्रक्रिया में शामिल न करने पर जहां भाजपा के पार्षदों ने कार्यवाही का विरोध किया, वहीं सोलन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि सोलन शहरवासी बेहद असमंजस में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षद भी इस मौके पर अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोस्टर जारी करने की प्रक्रिया में कांग्रेस तो दूर भाजपा के प्रतिनिधियों को भी शामिल नहीं किया गया, जिसके चलते सोलन वासियों में काफी रोष देखा जा रहा है। रोष प्रकट करते हुए सोलन शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने कहा कि रोस्टर प्रक्रिया में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों को इससे दूर रखा गया, उसका उन्हें कोई मलाल नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन को चाहिए था कि यह प्रक्रिया कम से कम मीडिया के समक्ष की जानी थी, ताकि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता नजर आती। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार और जिला प्रशासन में यहां कोई तालमेल नहीं दिख रहा, क्योंकि एक और तो प्रदेश सरकार ने नगर निगम के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के लिए रोस्टर भी जारी किया जा रहा है, जिसकी वजह से सोलन शहरवासी काफी परेशान है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि सोलन में नगर परिषद के चुनाव होंगे या नगर निगम के। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को पहले की तरह सबके समक्ष आयोजित किया जाना था, ताकि सभी दलों के लोग संतुष्ट रहते। ही इन्फॉर्म किया गया है, पिछले कल तक कोई नोटिफिकेशन नहीं थी। जब आज सुबह बीजेपी के पार्षदों ने भी विरोध दर्ज कराया डीसी साहब के पास कि उनको इस बात की सूचना नहीं दी गई है, तो उस समय उनको भी बुलाकर और कांग्रेसी पार्षदों को भी उसी समय बुलाया गया। मेरा मानना ये है कि जो फैसला जनता से संबंधित है, जनता के सामने होना चाहिए। अगर आप किसी तरह से वार्डों को रिजर्व कर रहे हैं, पर्ची सिस्टम से कर रहे हैं, अगर वो हमारे सामने नहीं तो कम से कम मीडिया के सामने ज़रूर होना चाहिए। अगर आप उसकी वीडियोग्राफी भी करवा रहे हैं तो मीडिया से भी वीडियोग्राफी कराने में क्या ऐतराज़ है, और उसको जनता के नुमाइंदों के सामने करने में क्या ऐतराज़ है। बड़े खेद की बात है कि सोलन की जनता इसी बात से परेशान है कि आने वाला चुनाव नगर परिषद का होगा या नगर निगम का होगा। यहाँ सोलन प्रशासन नगर परिषद की तैयारी कर रहा है और वहाँ से सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो आए दिन फेसबुक के ऊपर नगर निगम से संबंधित पोस्टों को डाल रहे हैं। तो मुझे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सोलन की जनता के साथ ऐसा ना करें और स्पष्ट तौर पर ये बताएं कि नगर निगम, जब सरकार ने बोल दिया है कि 40,000 पे नगर निगम बन सकता है, तो 39,000 कुछ जो है वो हमारी जनसंख्या कागजों में भी है, तो क्या हम नगर निगम बनने वाले हैं? और अगर नहीं बनने वाले हैं तो क्या नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं? मुझे लगता है कि सरकार और प्रशासन में एक बहुत बड़ा गैप इस समय सोलन प्रशासन और सरकार के बीच में है, जिन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है और कैसे करना है। और बड़ी खेद की बात है कि जो बातें सबके सामने होनी चाहिए जनता की, वो बंद कमरों में हो रही है। इस बात के ऊपर हम खेद प्रकट करते हैं। ये कहूँगा कि तालमेल जो है वो ठीक नहीं है। सबको पता होना चाहिए, पार्टी के नुमाइंदे होते हैं शहरों में भी और पार्टी हर जगह पे विधानसभाओं के अंदर, उन्हें अध्यक्षों को पता होना चाहिए। जब आप वार्ड से रिलेटेड और नगर परिषद से रिलेटेड कोई बात करें तो पार्षदों को पता होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता, इवन कांग्रेस आप छोड़िए, भाजपा का आपसी तालमेल बहुत ख़राब है। भाजपा के लोगों को ही नहीं पता है कि आज ऐसा होने वाला था। आनंद फानंद में उन्हें पता चला और उन्होंने डीसी साहब के पास इसका विरोध भी दर्ज कराया। तो ये बहुत बड़ा जो है गैप जो है प्रशासन और सरकार के बीच में, मुझे लगता है सोलन में चल रहा है।